डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिक्स सॉर्ट जो है इट इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। मतलब जब भी हम कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम की बात करते हैं, मतलब यहां पे सबसे पहले आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इट इज यूज्ड फॉर द सॉर्टिंग। मतलब यहां पे अगर मुझे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो अभी तक जितने भी एल्गोरिदम हमने किए, चाहे क्विक सॉर्ट किया, मर्ज सॉर्ट किया, या फिर हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया, बबल सॉर्ट किया, उनमें क्या होता था, आपस में कंपैरिजन होता था। जैसे ये मेरे पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स का आपस में कंपैरिजन होगा तब मेरे को पता लगेगा कि छोटा एलिमेंट कौन सा है, बड़ा एलिमेंट कौन सा है। इसीलिए उनको बोलते हैं कंपैरिजन बेस्ड। लेकिन ये कैटेगरी आती है नॉन कंपैरिजन, मतलब यहां पे हम इन दोनों को ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे। तो इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं, क्यों इसको नॉन कंपैरिजन बोलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी कि वर्किंग क्या है रेडिक्स सॉर्ट की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन नंबर्स को करना क्या है, जैसे देखो ये नंबर जो है वो 3 डिजिट का है, ठीक है। अब ये नंबर 2 डिजिट का है, उसके बाद नंबर 1 है 1 डिजिट का। तो सबसे पहले आप इन सबको जो सबसे बड़ा डिजिट का नंबर है उसके बराबर कर दो। मतलब क्या बना कि यहां पे सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का है, तो आप क्या कर दो, सबके लेफ्ट में 0 अपेंड कर दो ताकि सारे नंबर 3-3 डिजिट के हो जाए। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये लो डन और डन, बस इतना पहला काम है, ठीक है, छोटा सा काम है। नहीं भी करना चाहते तब भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम देखें तो फिर उस तरीके से वर्क करता है। तो देखो यहां पे रेडिक्स सॉर्ट में रेडिक्स होता है बेस, मतलब सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, या आप बोल सकते हो यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो देखो यहां पे नंबर क्या है, 4, 6, 5, 4, 2, 1, आप इनको कर सकते हो, बाकी को भूल जाओ, बाकी नंबर्स को एक तरह से भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर यूनिट प्लेस को फोकस करो। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो यानी आप सबसे पहले इसको करोगे तो ये क्या आ गया, 1 ऊपर आ गया। उसके बाद देखो क्या है, 2, तो 0, 6, 2 यहां पे आ गया। उसके बाद देखो 2 के बाद और कौन सा, 4। अब ये देखो 4 के यहां पे 2 डिजिट है, ये 4 भी है और एक ये 4 भी है। बस ये ध्यान रखना कि पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करना। मतलब ये 4 ऊपर था तो इस 4 को ही पहले ऊपर लिखना है, बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना। ये स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करता है। तो 904 ऊपर था, मतलब ये 4 ऊपर था तो इसी 4 को ऊपर लिखना है, और ये 4 नीचे था तो इस 4 को नीचे लिखना है। बस जो भी आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन एज इट इज रखनी है, जब भी सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप यूनिट पे फोकस करो, सिर्फ LSB पे फोकस करो। उसके बाद देखो कौन सा नंबर आ गया, उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 5, मतलब 005, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 046। लो जी, ये हमारा जो यूनिट था वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया ना, यूनिट प्लेस। अब आते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट 10 प्लेस पे, ठीक है, 10 प्लेस पे आते हैं। तो LSB से MSB की तरफ बढ़ते जाओ और एक एक करके सॉर्ट करते जाओ। तो देखो सबसे पहले हमने इस वाली पोजीशन को सॉर्ट किया, ये डन हो चुका है। अब हम फोकस करते हैं 10th प्लेस पे, तो ये तो 0 वैसे भी सेम ही रहेगा, तो 001 ये तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद देखो ये रहा 0, ये रहा 0, ठीक है। अब 0 यहां पे भी है और 0 आपको यहां पे भी दिख रहा है, लेकिन फिर वही रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो ऊपर है उसको ऊपर ही, मतलब 904 ऊपर है, मतलब ये वाला 0 ऊपर है तो इसी को ही ऊपर लिखो। उसके बाद ये वाला 0 नीचे था तो ये उसके नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। ये 0 इस 0 के नीचे था ना, तो यहां पे भी ये 0 इस 0 के नीचे ही आएगा। उसके बाद 046, उसके बाद क्या आ गया, 046 ही आएगा, ठीक है। 046 के बाद आपका क्या आ गया, 062 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे 0004 आ गया, फिर 6 आ गया और अब 7 आ जाएगा।
ठीक है जी। अब हमारा ये जो टेंस प्लेस था ये भी क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। अब हम फोकस करते हैं अपना लास्ट पे, मतलब एमएसबी पे, या आप 100 प्लेस को कह सकते हो कि इस प्लेस को हम लोग अब फोकस करते हैं। तो इस प्लेस को सॉर्ट करने के लिए फिर वही चीज, आप 001 ये तो एज इट इज रहेगा, अब 904 ये गलत हो गया, मतलब ये आप नीचे लेके जाओगे, लेकिन ठीक है, आप उससे पहले ये जितने भी जीरोज हैं इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख दो, मतलब 005 ऊपर था तो ऊपर, ये 046 नीचे था तो नीचे, ये 062 और नीचे था तो और नीचे, ये 074 यहां पे था तो यहां पे, और 904 आपका लास्ट में। ठीक है, तो ये देख लो जी, आपका पूरा का पूरा एरे जो था वो क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से रेडिक्स सॉर्ट जो है वो वर्क करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको वर्किंग बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इवन आपके इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो दिस इज हाउ रेडिक्स सॉर्ट वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की एनालाइज करेंगे। थैंक यू।